आता काय चर्चा असणार आहे आता हा शेवटी सामाजिक राजकीय भेट झाल्याच्या नंतर आमची खूप दिवसाने भेट झाली हॉस्पिटल आले होते ती पुन्हा एकदा साधक बाधक चर्चा राजकारणावर समाजकारणावरती आता सध्या मैदान असते प्रेड असतो जसं वारं असेल तसं सध्या सुरू असतं ठीक झाली चर्चा आणि नेमकं सांगितलं तुम्ही सगळं खेळ पांगित ना आमचा दोन ते दिवस राहू दे नेमकं थोडस राजकारणात म्हणलं जातं बाबा की काही पत्ते हुकमी पत्ते हे <laughs> ओपन करायचे नाही ते वेळेवर टाकायचे असते नुसतं चेस खेळ नुसता मांडून चालत नाही ते खेळता आला पाहिजे असणार <laughs> काही होऊ शकतं सामान्य जनतेसाठी काही होऊ शकतं सामान्य जनतेसाठी काही पण होऊ शकतं आमच्यासाठी नाही आमच्या स्वस्वार्थासाठी किंवा आमदार होऊन खासदार होऊन कुठं राजकारण करायसाठी नाही अन्याय वाचा फोडण्यासाठी जर जायची वेळ येणार असेल काय होऊ शकतं का नाही होऊ पाटलांची भेट घेतली नेमका उद्देश काय होता मी जरांगे पाटील साहेबांना दोनदा हॉस्पिटलमध्ये जाऊन भेटलो होतो इथेही जेव्हा त्यांचं आंदोलन सुरू झालं होतं इथेही आलो होतो आणि त्यावेळी मी एक गोष्ट सांगितली होती की आपण जेव्हा हे घोषणा देतो एक मराठा लाख मराठा तर त्यावेळी मी सांगितलं होतो की एक मराठ्यांनी पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कशा गाजवलेलं आहे सगळे लाख मराठा रस्त्यावर आले तर काय हो तर ते सत्य झालेलं आहे आणि मी जरांगे पाटील साहेबांचा सुरुवातीपासून फॅन आहे या कारणाने की एक छोटासा गावाशा आहे सामान्य माणूस आपल्या समाजाच्या हितासाठी जेव्हा त्याची प्रामाणिकता लोकांना कळतं तर सगळं समाज त्याचा मागे कशा येतो त्याचा एक ज्वलंत उदाहरण म्हणजे जरंगे पाटील साहेब आहे आणि ते आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे की कधीही त्यांनी आपली भूमिका बदललेली नाही आहे ते आपल्या समाजासाठी लढत आहे आज चांगली गोष्ट हे आहे कि आ, आ, अमाला हे की त्यांनी आम्हाला जेव्हा हे कळलं की सगळं आता निवडणूक जवळ आलेली आहे आणि जरंगे पाटील साहेबांचे आम्ही हे ऐकलं होतं की तेही निवडणूक लढणार आहे त्यांचं म्हणजे त्यांच्या वतीने काही लोक निवडणूक लढणार आहे त्या अनुषंगाने आणि आज जे समाजामध्ये जे चाललेलं आहे त्याच्या बाबतीत चर्चा करण्यासाठी आम्ही आलो होतो अ चाय पिणे चाय के उपर चर्चा करने के लिए चाय भी पिये या पे बातचीत भी की ए, उसमें। अब आगे देखेंगे जो भी होगा विधानसभेत पाटील आणि तुम्ही एकत्र आम्हाला दिसणार आहात देखिए जैसा अभी अभी जारांगे साहब ने आपको बताया है कि कुछ दिनों के अंदर कुछ ना कुछ तो जो भी फैसला लेंगे मैं अकेला अपने तौर के ऊपर मेरी पार्टी का फैसला नहीं कर सकता हूं जारंगे पाटिल साहब की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी उन्होंने कोई फैसला लिया है अपने समाज के साथ चर्चा करके समाज के ज़िम्मेदारों के साथ चर्चा करके उन्होंने फैसला लिया है उसमें हमारी सिर्फ उम्मीद यही है हमारी सिर्फ ख्वाहिश यही है कि आज महाराष्ट्र में जो राजनीतिक परिस्थिति है जितने भी एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज है या जो प्रस्तावित नेता लोग हैं इनका लोगों का विश्वास इनके ऊपर से खत्म हो चुका है तो जब तक आप नए चेहरे नहीं लेके आएंगे लोगों का विश्वास जो है नए चेहरों के ऊपर होगा और लोगों को लगेगा कि नहीं भाई यही लोग बार 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 चुनकर आ रहे हैं करके आज भी राजनीति के अंदर देखिएगा आज विधानसभा आज एम का ये हुआ है एक बाप मंत्री रहता है बेटे को आमदार बना दिया जाता है मतलब बाकी और कोई नहीं है ये घराने शाही कहीं ना कहीं तो ख़त्म होनी ही चाहिए ना उसमें तो आज अगर कोई ऐसी कोशिश की जा रही है तो हम उस कोशिश के अंदर पूरा साथ देंगे जरंगे पाटिल साहब को जरंगे पाटिला जी बुद्धि बड़ा तो उदाहरण दिल तुम्हें एक आवाजू एकत्र आला राजा जो तुम्हारा मारा है समझा नहीं, नहीं हूँ तो 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 देखिये मैं, मैं, मैं समझ के चलता हूँ कि यहाँ पर राजा की बात नहीं हो रही है पे प्रजा की बात हो रही है हा? जरांगे पाटिल साहब भी जितना भी आंदोलन कर रहे हैं वो उनके समाज के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके लिए वो आवाज उठा रहे हैं लड़ रहे है इसमें हमें तो ये बात समझ में नहीं आती है मैं विधानसभा के अंदर जब आमदार था उस वक्त एक भाषण किया था और ने ये बताया था कि अगर भाजपा तैयार है शिवसेना तैयार है कांग्रेस तैयार है एनसीपी तैयार है समाजवादी तैयार है हम तैयार है तो क्या वजह है कि इसके अंदर रुकावटें लाई जा रही है करके देखिए बोलना कुछ और करना कुछ ये राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं की आदत बन चुकी थी अब ये जब से आए हैं तो ये सबकी पोल खोल रहे हैं सबको उधेड़ रहे हैं तो आप सब परेशान हैं इनकी वजह से इनका मकसद यही है कि मेरे समाज के साथ इंसाफ करो हम भी यही चाहते हैं कि, है कि साहब हमारे समाज के साथ भी कुछ इंसाफ होना चाहिए करके और जब दो लोग का कॉमन गोल रहेगा ऑब्जेक्टिव एक रहेगा उसमें तो यकीन इनके साथ लोग जुड़ रहे हैं हम भी इनके साथ तो जुड़ेंगे लड़ाला आरक्षण तो साफ दावा है है कि देवेंद्र देवेंद्र मराठा समाजाला देखिए मैं अकेले सिर्फ देखिये साहब के बारे में ये नहीं कहूँगा मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है वो लोगों को समझ में आ चुकी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करने का है केंद्र सरकार के पास जाने का है मैं तो आपको यहाँ तक ये यह कहता हूँ कि उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ के एक बड़े नेता को बुलाकर ये कहा था है? कि ये आंदोलन मराठा समाज का किसी भी हालत के अंदर दिल्ली तक नहीं पहुंचना चाहिए करके यहीं का यहीं इसको रखना चाहिए करके तो उनकी नीति रही है ये लेकिन अब वो एक्सपोज हो चुके हैं बहुत हद तक जो है सबको समझ में आ रहा है कि इसके पीछे किसकी साजिश है क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं है करके इसमें वो नहीं। वो नहीं। मैं तो आपको शुरुआत से ही कहा हूँ ना भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी है नीचे से लेके ऊपर तक ये सभी लोगों की साजिश है देखिए मैंने है तो आप सीधे तरीके से पूछ रहे हैं मैंने आपको हर चीज का जवाब दे चुका हूँ अलायंस का मतलब क्या होता है जब आप एक कॉमन गोल को हासिल करना चाहते हैं और वो कॉमन गोल क्या है करके समाज के अंदर अगर हमको परिवर्तन लेके आने का है आज जो जाति धर्म के नाम के ऊपर जो घटिया राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है मुझे खुशी इस बात की है मैंने जरांगे पाटिल साहब के तमाम ऐसे भाषण सुना कहीं पर भी वो ये नहीं कहते हैं कि साहब ये समाज ने वो समाज के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए हाँ ये धर्म ने दूसरे धर्म के बारे में कुछ बात करना चाहिए हाँ उनका एक गोल है उनकी एक सोच है कि भैया हमको रहना सबको साथ में ही है करके उसमें उन्होंने कितने उदाहरण अपने गांव के दिए है यहाँ पर कि उनके गांव के अंदर किस तरीके से अच्छा लेकिन आज क्या वजह है कि महाराष्ट्र के अंदर जाति धर्म और मजहब की दीवारें खड़े की जा रही है उसको कही न कहीं ना कहीं गिराना चाहिए और वो कौन गिरा सकता है जो एस्टेब्लिश लीडरशिप है उनसे हमारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है तो जो नई लीडरशिप डेवलप हो रही है अगर वो प्रामाणिक है और जिसको मैं जरांगे पाटिल साहब के अंदर देखता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि एक नई पहल हो रही है क्यों ना हमें कोशिश करके देखें करके जरांगे पाटिल आंदोलन था उसका जो फायदा है मुस्लिम तबके तप, के बच्चों को भी मिला है इस वजह से, से भी आप आ... आप देखिये हंड्रेड 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 परसेंट मैं जैसा आपको ये बताया हूँ ना कि जब आपको जब फायदे मिलते हैं किसको फायदा मिलना चाहिए साहब जो सबसे गरीब लोग है हा? आज अगर आप बोलेंगे कि इम्तियाज अली तुमको रिजर्वेशन चाहिए क्या करके तो इम्तियाज अलील को नहीं चाहिए लेकिन मेरे समाज के अंदर भी जो गरीब लोग है जिनको जिनकी आवाज कभी नहीं पहुंचती है जो मजबूर है जो बेसहारा है तो वैसे लोगों के लिए ही ये लड़ाई जो है वो जरांगे पाटिल साहब ने शुरू की थी उसमें और कभी भी मैंने आपको जैसा बताया मैं दोबारा आपको

तुम्हाला वाटतं की, आता की जी ते आता गनीद मला असं वाटतं की दोन हजार चोवीस ची हे जे निवडणूक आहे याच मुद्दावर असणार आहे की आज महाराष्ट्रामध्ये किंवा देशामध्ये जे आज जाती धर्माचा तेढ निर्माण करण्याचा जे प्रयत्न सत्ताधारी आणि विशेषकर भारतीय जनता पार्टी कडून जे सुरू आहे ते कुठेतरी थांबायला पाहिजे आणि आज सगळ्यात जास्त महाराष्ट्राला आवश्यकता है तो सोशल इंजीनियरिंग थी मनजे सगड़े जाति धर्माचे से कोत्या ही मनसाला एकमेकाशी द्वेष कराएच नहीं है उनको अपनी रोजी रोटी से है तो फिक्र ये है परेशान है किसान परेशान है ऐसे हालात के अंदर कौन जाति धर्म के बारे में है तो सोचते रहेगा अगर उनका पेट खाली ही है तो उसमें तो अगर सबके बारे में अगर सोच रहा है कोई तो हम यकीनन उसको पूरी तरीके से साथ देंगे और हमारा यही कहना है कि 2024 का इलेक्शन जो है वो सभी जाति धर्म और हाँ सब एक है हमें है है कि मैं भारतीय इस मुद्दे के के ऊपर लड़ना चाहिए वरना आपको तो लड़ाने के लिए बैठे बैठे हुए ही सत्ताधारी जितने भी हैं तो तो देखिए यही तकड़ तकड़ नहीं, तकड़ कर मैं, मैं, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मैं आज अगर चौथी मरतबा अगर जरांगे पाटिल साहब से मिलने के लिए आया हो तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी उनके लिए एक आदर का स्थान बना है और इसलिए आदर का स्थान बना है कि वो इंसानियत के लिए बात कर रहे हैं उन्होंने कभी या तो जाति धर्म और मज़हब के हिसाब से बात नहीं किए हैं उन्होंने सबका साथ लेने की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मुसलमानों को घबराने की हाँ उनका पैगाम यही है कि दलितों तुमको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है ओ समाज को भी किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है है कि आपके खिलाफ जो साजिशें रची जाती है और उसके जरिए कैसा राजनीतिक फायदा उठाया जाता है वो खत्म होना चाहिए अपन हो, राज्यामध्ये किती आता ते 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 ठरलेले नाही का आहे काही पत्रकार ये असेल तर टिकट देायला तैयार है आम्ही ठीक है भैया